नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी से जूझ रही देश की जनता को कोरोना वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार था और सरकार ने दावा किया है कि इसी महीने कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसके लिए सूबे की योगी सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन न लगवाने को लेकर ऐसा बयान दे डाला कि वे मीडिया की सुर्खियां बन गए। सबसे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। सपा प्रमुख के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि यह देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। अभी यह मामला थमा भी नहीं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से समाजवादी पार्टी के स्नातक एमएससी आशुतोष सिन्हा ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए अजीबोगरीब बयान में अपने नेता के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इस वैक्सीन से लोग नपुंसक भी हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें होंगी नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को ऐसे नहीं लगना चाहिए। कुल मिलाकर कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की तैयारी के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी फजीहत होता देख ट्वीट किया कि हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली और अवैज्ञानिक सोच पर व भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उसकी चिकित्सकीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अब देखना है सपा प्रमुख के बयान के बाद उनके MLC आशुतोष सिन्हा अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी के लिए कितना राजनीतिक नफा नुकसान कराने में कामयाब होते हैं, यह तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। फिलहाल आम जनता को बड़े ही बेसब्री के साथ वैक्सीन का इंतजार है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।